जय हिंद दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं X प्लस 4V टॉप मॉडल वर्सेस नॉर्मल मॉडल, तो दोनों का कंपैरिजन देने वाला हूं दोस्तों मैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास में लेटेस्ट वर्जन भी है X प्लस 200 4V। तो ये आप देख सकते हैं ये नया वर्जन है दोस्तों और नया मॉडल है ये X प्लस का। इसका कलर भी काफ़ी शानदार है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रही है दोस्तों गाड़ी, और काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रहा है दोस्तों गाड़ी का साइड से भी। तो दोनों में मैं क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ। तो वो है X प्लस 200 नॉर्मल वर्जन प्लस ये है X प्लस 4V। तो ये आप देख सकते हैं ये है X प्लस 200 नॉर्मल वर्जन वर्सेज ये है X प्लस 4V। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फ्रंट में गाड़ी कुछ ऐसी है, देख सकते हैं गाड़ी के टायर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और काफ़ी अच्छी ग्रिप है और काफ़ी पतला एंड स्लिम टायर है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम टायर दिया गया है इसके अंदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो टायर तो दोनों के लगभग सेम ही है दोस्तों, बस इंजन में थोड़ा डिफरेंस है। ये थोड़ी स्मूथ चलेगी, स्मूथनेस आ जाती है गाड़ी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये है X प्लस 200 नॉर्मल वाला वर्जन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी दोनों ही बढ़िया है दोस्तों, बट थोड़ा इंजन का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है? तो मुझे ये ब्लू वर्सेस वाइट ये काफ़ी शानदार लग रहा है X प्लस 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं X प्लस 4V का बैचिंग यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, और फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम की बैचिंग भी यहाँ दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको किक स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने जो ये है आगे लीवर तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, किक स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें दोनों में फ्रंट में और पीछे में दोनों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी शानदार और बढ़िया लग रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्लेट दी गई है डिस्क की और काफ़ी मोटी प्लेट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी गाड़ी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। और इसका सस्पेंस भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में आपको दिख रहा होगा सस्पेंस, ताकि गाड़ी का बैलेंस बना रहे। और ब्रेक ऑयल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और इंजन काफ़ी शानदार है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 190 bhp की पावर जनरेट करता है, ये 190 bhp की पावर ये वाला इंजन जनरेट करता है और वो वाला 180। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और मेरे को ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों पर्सनली उस कलर से, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। आपको दोनों में से कौन सा कलर पसंद आया दोस्तों वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं X प्लस 200, इसमें यहाँ पर X प्लस 200 की बैचिंग दी गई है। दोनों की चाबियाँ तो लगभग सेम ही है दोस्तों, आप देखेंगे तो दोनों की चाबियाँ लगभग सेम ही है, ये देख सकते हैं दो चाबियाँ दी गई है छोटी छोटी। स्प्लेंडर से तो बड़ी चाबियाँ हैं और काफ़ी लाइट वेट चाबियाँ हैं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है ना दोस्तों, ये वाला जो वर्जन है इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और इसके अंदर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं X प्लस के अंदर, इसके अंदर भी आपको ये देख सकते हैं आप इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रेस करके रखना है। तो ये आप देखेंगे तो ये इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है और गाड़ी काफ़ी बड़ी और काफ़ी शानदार है दोस्तों। ये तो ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, माय हीरो ऐप है उसमें जाके आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और आपका कॉलिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिखाने लग जाएगा आपको। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, इको मोड इसमें दिया गया है, एक ट्रिप आप इसमें सेट कर सकते हैं, एवरेज आपको इसमें दिखाएगा, टाइमिंग और डेट वगैरह भी इसमें दिखा देगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 180 तक की टॉप स्पीड दी गई है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी शानदार बाइक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैंने आगे का कुछ दिखा दिया और इसका हैंडल भी काफ़ी बड़ा है, देखा आप देखेंगे तो दोस्तों ये आप देखिए इसके जो हैंडल की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो बैलेंस वगैरह बनाने में काफ़ी ईजी रहती है। और ये आपके हाथ के सपोर्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है और दो मिरर इसमें मिल जाएंगे आपको, ये आप देख सकते हैं आपके हाथ की सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो के ये दे सपोर्ट के लिए ये दिए हुए हैं कवर, ताकि हाथ को चोट वगैरह ना लगे। और ये देख सकते हैं आप, तो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है दोस्तों पीछे से। तो ये देख सकते हैं आप नॉर्मल वर्जन वर्सेस X प्लस 4V,
दोनों में ये डिफरेंसेस है दोस्तों। और पीछे आप अपना सामान वगैरह कुछ पीछे बांध सकते हैं दोस्तों, उसके लिए काफ़ी मजबूत ये दिया गया है, मेटल है ये, पूरा प्योर मेटल है दोस्तों, मजबूत है। और पीछे आप इसमें ये भी लगवा सकते हैं, एक लंबा सा स्टैंड भी लगवा सकते हैं अपना बैग वगैरह बांधने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है दोस्तों। तो ऑफ रोडिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है दोस्तों, और मुझे पर्सनली ये बाइक काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे हाइट, देखेंगे हाइट वगैरह कितनी शानदार दी गई है, ये देखिए इसकी हाइट वगैरह, लंबे चौड़े आदमी के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है दोस्तों ये, मतलब कि पर्सनैलिटी पे सूट होने वाली बाइक है। और पीछे का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे आप, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप पीछे देखिए दोस्तों कितना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, और साइलेंसर इतना ऊपर दिया गया है। इसका इतना ऊपर देने का रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल है दोस्तों। प्रॉपर ऑफ रोडिंग का मतलब कि कभी पूरी मिट्टी में चल रही है, पानी में चल रही है, रेत में चल रही है, कीचड़ में चल रही है, तो साइलेंसर के अंदर पानी ना जाए, इसलिए इतना ऊपर साइलेंसर दिया गया। आप देखेंगे दूर से तो कितना, टायर से भी इसकी जो टायर की हाइट है उससे भी ज़्यादा, मतलब मेरे घुटने से भी ऊपर की हाइट पे साइलेंसर है, आप देख सकते हैं। टायर जो दिया गया है, टायर के मतलब टायर से भी ऊपर है साइलेंसर दोस्तों। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग गाड़ियों में ही ये सारी चीज़ें दी जाती है। दूसरी नॉर्मल गाड़ियों को आप देखेंगे तो नॉर्मल गाड़ियों का साइलेंसर मैं आपको दिखाता हूँ, तो नॉर्मल गाड़ियों का साइलेंसर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आता है, देखिए ये देखिए एकदम नीचे, कितना नीचे दिया गया आप देख सकते हैं, ये स्प्लेंडर का साइलेंसर है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक में और इसमें नॉर्मल बाइक में। बाकी ये गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है मुझे, और काफ़ी मस्कुलर बाइक है दोस्तों, काफ़ी बड़ी और बल्की बाइक है, तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी। और ये नॉर्मल वाली है दोस्तों, X+200 है ये, और ये X+4V है दोस्तों। तो ये दोनों डिफरेंस है, और इंजन काफ़ी स्मूथ है इसका, और ये पिकअप जल्दी ले लेगी दोस्तों, तो उस हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। आप देख सकते हैं X+4V, और काफ़ी मस्त लग रही है दोस्तों ये गाड़ी। आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और ऐसे पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।